अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो व्यूवर, मैं हूँ आपकी बेबो हरामजादी। आप तो मुझे जानते ही हैं ना, जब मैं किसी पर कोई तोहमत ना लगाऊँ या किसी पर कोई बात ना करूँ तो मेरी ज़बान खाना भी नहीं खा सकती। तो मैं हूँ हरामजादी फैक्ट्री, बेगैरती की फैक्ट्री, भड़वों की इंजन। तो मेरा नाम रखा हुआ है YouTube फैमिली वालों ने, ये नहीं सितारा फैमिली, इन लोगों ने मेरा नाम रखा है बेगैरतों की फैक्ट्री। तो मैं ऐसे लगती हूँ क्या? आप लोगों को तो पता ही है, मैं बस झूठी मूठी तस्वीरें लगाती हूँ किसी की। और मैंने आज एक भौंका कुत्ते की तरह जब मैं कुत्ते की तरह भौंकती हूँ ना, तब तब मुझे ये देखना ना गैस हो जाता है। हाँ, तो बस पता नहीं ये विवर कब, आज मैं कुत्ते की तरह भौंकी हूँ। आ हा अब थोड़ा मेरा गैस कम हुआ है। तो आज जो मैं भौंकने लगी ना विवर, ज़रा गौर से सुनना। हाँ, तो आज मैं भौंकने लगी हूँ कि जो 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 है ना, असगर की माँ बनी फिरती है बिल्लो मिरहाज, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो उसका शौहर कैसे फौत हुआ वो भी बताने वाली हूँ, और भौंकने वाली हूँ कुत्ते की तरह। मैं भी जय वहीं थी, उधर सोती रही हूँ ना, उसी फैमिली में रही हूँ, वहाँ सोती रहूँ, मुझे सारा इल्म है उन लोगों का। मैं आज सब पकड़ फालूंगी। सितारा, तेरे को बोला था ना मैंने, तेरा कख नहीं बचाऊंगी, तो तेरे चाचा का और दिलबर बाबर का और त्यार मैं तो अब सितारा तेरी माँ की बात करने वाली हूँ, और तो और तेरे मरे हुए बाप पर भी बात करने वाली हूँ। मैं बड़ी लानतन औरत हूँ, मेरे पर लाना तो हजार बार, पता नहीं कब मैं मरूँगी। हिजड़ी औरत कब मरूँगी, ना इंसानों में हूँ ना जानवर में हूँ, पता नहीं क्या हूँ मैं, बस अपने दिन जो है ना मैं गुजार रही हूँ। जैसे भी मैंने बकवास करनी हो, किसी पर तोहमत लगानी हो, मुझ पर खुदा की लानत लिखी हुई है तो बस लिखी हुई है, वो मैंने अपने मुंह पर डालनी है। मैंने कौन सा मरना है, बस YouTube फैमिली ये मुझे पास कर रहे हैं और मैं खा रही हूँ। हाँ, हराम भी खाती हूँ हलाल भी खाती हूँ, मुझे क्या किसी के साथ। मैंने ना हर किसी को पागल बनाया हुआ है। कैसे मेरे YouTube फैमिली को पागल बनाया, हर किसी पर तोहमत लगाती हूँ और सब खुश हो के मुझे देखने आते हैं। आज बेबो क्या बकवास करेगी, तो आज आपकी बेबो बकवास करने वाली है सितारा के अप्पू पर। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो बस वो जो जंती बंदा है, लेकिन मैं बकवास ज़रूर करूँगी, भौंकूँगी उसके बारे में, मरे हुए उसके बाप पर बात करूँगी, क्योंकि मुझे ना YouTube फैमिली बहुत चाहेंगी, बहुत देखेंगी भी। देखो अब सितारा का बाप भी मैंने लाया और माँ भी लाई, जो हजानी बनी फिरती है, हज कर रही है ना, वो तो हजानी है, हज कर रही है, लेकिन मैं भौंकूँगी, मेरे को फिर कौन देखेगा, इसने रिएक्शन नहीं दिया तो देखो ना मुझे गैस हो जाता है, इतने तक आ जाता है, इतने तक फिर मैं कहाँ निकालूँ। हाँ, आप लोग ही बताइए ना, ये देखे मरने पर आ जाती हूँ, फिर बिस्तर पर पड़ी जाती हूँ, करती हूँ तो बचोगी ना। तो इसको मरवा दिया अपने शोहर को और दूसरी शादी कर ली, लेकिन मुझे पता तो नहीं है भी कैसे मरा बेचारा और कैसे इसने शादी की, लेकिन मुझे लानत लिखी हुई है ना, मैंने तो करनी है। मैं तो छोटी छोटी बच्चियों पर भी बातें करती हूँ, इल्ज़ाम लगाती हूँ सारे ख़ानदान इस पर कि सारे ही गंदे हैं, लेकिन मैं तो सबसे गंदी हूँ, लानते न औरत हूँ, लेकिन क्या है क्या है कि रोज़ी का मसला है ना, मैं इसलिए लानत भेजती हूँ अपने मुँह पर।
और बकवास करती हूँ, खे खा लेती हूँ ना मैं, हरामैन औरत हूँ, मुझसे ऐसी हरामैन अपॉर्चुनिटी की कोई पूरे पाकिस्तान की जुनी पुनी हुई बेगैरत औरत बेबो मुझे कहते हैं, मैं हूँ आपकी बेबो। लेकिन बता क्या हुआ, सारे चुप कर जाते हैं, सारे चुप कर जाते हैं, लेकिन आज मुझ पर उसने जो वीडियो बनाई, कल बनाई थी, मैंने रिएक्शन दिया, लेकिन आज जो बना रही हूँ पता नहीं क्या कहता है उसका वो चाचा जो बड़े मूंछों वाला है, आप देखना उसे वो क्या करता है मेरे साथ। अब लेकिन मेरे साथ मत छोड़िएगा, मैं और बकवास करूँगी और मेरी सच समझना, लेकिन मैं भौंकूंगी, लेकिन मेरे भौंकने पर भी आप सब समझना, सच समझना। आगरी आगरी कब मैं बन गई रे, चुक ले रब्बा मेनू, चुक ले जान तो चुक ले, ए देख मेरा जान, ए मेरा गैस भी गया, ए रब्बा मेनू चुक ले बेबनू, मैं बड़ी लाड तेरा। अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली, अल्लाह करे हंसते और बसते रहे, आबाद शाद रहे। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे अल्लाह के फजलो करम से, और मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज बात शुरू करते हैं जी, नहायत ही घटिया, नहायत ही बेगैरत, नहायत ही नाजायज़ माँ बाप की औलाद, उन पर जिन्होंने मेरे भाई यासीन पर बात की मरे हुए पर, ठीक है, मेरा भाई जनती बंदा था, उस पर इसने बात की, और जो मदीने पाक में मेरी भाभी रह रही है उस पर इसने बात की। तो अब तो YouTube फैमिली हक बनता है ना कि इस बेगैरत को, और जो इसका बेगैरत वो भाई है जो इसको बता रहा है बेगैरत आज़म, इन दोनों कुत्तों को, कुत्तियों को, कुत्ती और कुत्ते को, दोनों को जवाब देना मेरा हक बनता है। तो मेरी YouTube फैमिली जैसे मेरा साथ दे रहा है ऐसे देते रहें, और देखो मैं ऐसे कैसे इसकी 32 की 32 बार निकालता हूँ। तो आ जाए जी ये घोड़ा और ये मैदान, मैं रोकता रहूँ लेकिन तुम लोग नहीं रुके, ठीक है। तो कुत्ती बेबो संडी और बेगैरत नस्ल की, तू तो DN के, मैं कहता ना, तू कहती DN कराने के ही अलावा ही बेगैरत नस्ल की है, तू तो कोई है ही हराम की नस्ल पूरे पाकिस्तान के, को मैं कहता हूँ तेरे माँ और तेरे यार होंगे, तू बेगैरत नस्ल की है तो हमें बेगैरत कहती है। अरे तुम हमें बेगैरत कहती हो, मेरे भाई मरे हुए को बात करती है, तेरे दांत ना निकालूं तेरी 32 निकाल लूँगा। तू मेरे भाई पर बात की तूने, और मेरी मदीने पाक में नमाजन मेरी भाभी मेरी माँ जैसी जिसने जो पाला पोषा, बिल्लो जिसको कह रही हो, वाह अरे वाह, मेरी भाभियाँ मेरी माँ हैं, ठीक है, और मेरी भतीजियाँ मेरी बेटियाँ हैं, ठीक है। सुन ले किसी कुत्ती नस्ल की, तू तो है ही किसी बेगैरत नस्ल की, तेरे को बता सुनाना क्या है। तो मैं YouTube अपनी फैमिली कह रहा हूँ, ये कहीं कुत्ती नस्ल की है जो मेरी भाभी के बारे में और मेरे भाई के बारे में कह रही है। तो उसने निकाह किया था, शरा किया उसने, ठीक है। तो मेरा भाई, उसे शुगर की तकलीफ़ थी, उसे हार्ट अटैक हुआ था, तो वो तब फोत हुआ है, मेरे हाथों में हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हक्षरा किया है मेरी भाभी ने, तो वो मेरी भाभियाँ दो सऊदी अरब में फोत हो गई थी, ग़ुलाम सरवर की घरवाली और ग़ुलाम मोहम्मद की। अच्छा, उनकी घरवालियाँ दोनों एक्सीडेंट में, मेरा भाई ग़ुलाम मोहम्मद चला रहा था गाड़ी, एक्सीडेंट में पहाड़ों में जाके गाड़ी लगी और दोनों फोत हो गई। तो मेरी भाभी जो है ग़ुलाम मोहम्मद की घरवाली यानी असगर की वालदा और नजमा की, वो तो मौके पर ख़त्म हो गई थी, और जो मेरी भाभी थी दूसरी बसरो बीबी, तो वो जहाँ हॉस्पिटल में जाके उसने दम दिया, तो दोनों ही ने एक ही दिन दम दिया और एक ही दफ़ा उसका जनाजा हुआ दोनों का। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस अता करे, और मेरी वालदा भी उसे शुगर की तकलीफ़ थी, वो भी जन्नत अल बकिया में है भाई। तो मेरा भाई भी सऊदी अरब 20 से 25-30 साल रहा है, ग़ुलाम यासीन सऊदी अरब में रहा है, फिर पाकिस्तान जब आया तो उसकी शुगर बढ़ चुकी थी, तब पाकिस्तान आया, मैंने उसे एक ब्लड की बोतल भी दी थी, तो बहुत ही मतलब हमने कोशिश की, लेकिन उसे बहुत सारी तकलीफ़ थी शुगर की, शुगर उसकी बढ़ चुकी थी, तो शुगर की वजह से ही अल्लाह को उसने जान दी, और अल्लाह ताला उसे जन्नत अल फिरदौस अता करे। और ये जो कुत्ती भौंक रही है,
बेबो, अरे बेगरत नसल, तू तो इधर रह के गई है, शायद तेरे साथ भी कुछ बुरा किया होगा हमारी नस्ल वालों ने, इसीलिए आई थी ना, कुछ चाहिए था हमारी नस्ल का, कोई बेबो चाहिए था आपको, बेबी को बेबो चाहिए था, नहीं दिया, ये बच्चे थे ना इन लोगों ने नहीं दिया, मैं भी नहीं था इधर, तो पहले आप चक्कर लगा के चली गई, अब आ जाए ना ये कुछ लेना है तो अच्छी नस्ल का कुछ चीज़। तो मेरी YouTube फैमिली, ये इसने बात की है मेरी फैमिली पर, तो भाई सितारा को तो आप देख ही रहे हैं जो कुछ है जो हो रहा है, फिर इसने इसके चाचा और भाइयों पर बात की, फिर मतलब पूरी फैमिली पर घूमते घूमते फिर अभी हमें भौंकने शुरू की। लेकिन मुझे अपना अफसोस भी नहीं है, मुझे जो अफसोस है तो मेरी YouTube फैमिली, मेरे भाई ग़ुलाम यासीन का है, जो 30 साल मदीने पाक रहा, नेक नमाजी बंदा था, तो खुदा को मैंने जान देनी है, बहुत ही अच्छा बंदा था, जिसने बावक्त अपनी बेटियों को जहेज दे के अपना उसकी शादियां कर दी, अपने बच्चे फारूक को भी टाइम से उसके शादी कराई, उसको कोठी बंगले बना के दे के गया। तो भाई मेरे भाई ने सबसे अच्छी कोठी मेरे शहर में बनाई थी, हमारे में मेरे भाई की थी, किसी अच्छे बंदे की नहीं थी, जो हाँ नजमा और फारूक रह रहे, और सितारा बेटी को भी उसने सब कुछ दिया, सलमा बेटी को भी उसने सब कुछ दिया, उसने क्या बनता है, कौन सी तुम मेरे रिश्तेदार है, क्या मेरे भाई ने तेरा किया था, चलो हम तुमको, हमें तो कुछ भाव को, चलो हम तुम्हें कुछ बुरा भला कह लेते हैं, जब तुम भौंकती हो तब कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। अच्छा तो तुम्हें तो मैं इंसान ही नहीं कहूँगा, तो इंसान की बच्ची भी नहीं है, कुछ जानवर की बच्ची है तू, बेगैरत नस्ल की बच्ची है, बेगैरतों की फैक्ट्री है तू, तू हर बात जो कोई ना कोई घुमा फिरा के किसी की तस्वीर लीक कर रही है, किसी की मतलब वॉइस लीक कर रही है, तू है क्या, गंदगी है इंसान, मतलब पूरे पाकिस्तान की गंदगी तू, पूरे पाकिस्तान की गंदगी तुम और आज़म हो, ठीक है, बेगैरत आज़म और तुम गंदगी हो, किसी का पर्दा रखने के बजाय तुम पर्दा उछालते हो, और वो भी सचमुच में उतारो तो कोई अफसोस नहीं लगेगा। अरे हरामजादी, मेरे भाई को तो मरे हुए कितना अरसा हो गया है तेरे पता है, और ये मेरी भाभी कब से मदीने पाक में गई है, कब से इसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अफसोस है, तू क्या कहती है इसके बारे में, मर गए हम सब फैमिली वाले, कोई बात नहीं करेगा, मैं तेरी दांत निकाल लूँगा तुम लोग को, जिसने मेरी भाभी पर बात की और मेरे भाई मरे हुए पर, किसी बेगैरत नस्ल के बंदे, कुत्ती नस्ल के बंदे, जो भौंकेगा मैं उसके 32 की 32 बात निकालूंगा, भौंक के दिखा देख, जो भी भौंकेगा उसको जवाब वापसी मिलेगा। मेरे भाभी और भाई ना अपना मेरे भाई के बारे में बात करती है और मेरी बेटियों के बारे में बात करती हो, किसी कुत्ती नस्ल की, तो अपने बारे में बताना, अपने खानदान वाले तुम्हारे पवित्र हैं, अच्छे हैं, नेक नमाजी हैं, जैसे तू बेगैरत है ऐसे वो भी बेगैरत है, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, मर्द भी नहीं है तेरे घर में, तेरे घर में कोई मर्द होता तो वो उसमें ज़रूर बताता भी किसी की फैमिली पर ऐसे मत भौंको, ऐसे मत बातें करो, किया क्या है मेरी फैमिली ने आपका, क्या बुरा किया है वो बताओ ना भी, ये रेप कर दिया आपका तो फिर मैं भी उसका बदला ले रही हूँ, क्या किया आपके साथ मेरी फैमिली ने या सितारा ने, मेरी फैमिली ने क्या किया है आपके साथ, मैं जवाब पूछना चाहता हूँ, जब हमने आप पर बात नहीं की तो क्यों भौंकती है, व्यूज़ के लिए भौंकती है, व्यूज़ ये यहीं रहने जाना है, ठीक है, इंसान ने मरना भी है, ठीक है, कुत्ते की तरह भौंक रही है, भाग रही है, दौड़ रही है व्यूज़ों के लिए, व्यूज़ एरिया रहना है, और हमने मरना भी है, खुदा को जान भी देनी है, तो ऐसे मेरे जनती भाई के लिए आप बुरी बात कहेंगी तो इससे भी बुरे लफ्ज़ कहूँगा, याद रखना, अब देख रहा देसी डोज को जिसने सताया, ठीक है, आज उसने मतलब जो उसके दिल की अबड़ास उसने की, उसने अपनी अबड़ास निकाली, हम भी ऐसे अबड़ास निकालेंगे, ठीक है, जिसको कोई सताता है जताता है तो फिर भरता है, करनी की धरनी है। तो देसी डोज साहब, आपने बहुत ही अजीब से अजीब बातें की सरेकियों के बारे में, खैर आपके दिल का बोझ हल्का था, हो रहा था शायद, लेकिन सितारा बेटी ने आपके लिए कुछ नहीं किया ऐसा, आप खाम खाई नाराज हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रखी है आपने, और खैर हमारे बारे में आपने कुछ नहीं कहा, बहुत सारी बातें कर गए, तो जी आज से मैं जुदा हूँ सितारा से, ये वो नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं है, इंशाल्लाह जो गलत फहमी है इंशाल्लाह जल्दी दूर करेंगे आपकी भी हम। तो जी
आज मेरा आखिरी वॉर्लिंग है इसको, ना आखिरी वॉर्लिंग क्या, जब तो शुरू है जी, आखिरी वॉर्लिंग है नहीं, सॉरी आखिरी वॉर्लिंग नहीं, अब शुरू है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जो मेरे भाई मतलब मेरे ख़ानदान में किसी के बारे में जो बोलेगा, जो हमारी सतारा फैमिली के बारे में, उसका जवाब मैं दूंगा और मुंह तोड़ दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, या तो भाई मुझे मरा डालो। तो खैर, मेरे भाई के बारे में आपने ऐसी बातें की, जनती बंदा था, नेक नमाजी था, और मेरी भाभी जो मदीने पाक में रहती है उसके बारे में बात की, तो आज मैंने मुंह तोड़ आपको जवाब दिया। बकाया कुछ भी बहुत है जो आपके बारे में, वो बाद में करेंगे, कल परसों तरसों, बहुत ज़िंदगी पड़ी आगे, ठीक है। अच्छा, तो मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला यूँ यार किसको हंसता और बसता रखे, बात शाद रखे। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स भी अच्छे करना। थैंक यू मेरी अच्छी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़।